खोप आए, ये गया ऊपर से कितना छोड़ना है, 6 इंच छोड़ना है। उसके अंदर के जो होल है ना वो पोस अंदर चले गए, मतलब उसको रेंडमली जिगजैग टाइप से रोड बने। हाँ बटन दबा के रखना होगा ना, देखो जैसे फिर चालू किया अपन ने जैसे गिनती 1 2 3 4 5 तक, तो उसमें 50 ml से ऊपर चले जाएगा। आप दबा के रखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये दवाई है लगभग इतने समय में यहाँ पे 60 से 70 ml आपका जो घोल है वो इस बट के अंदर चला गया। अब ये क्या करेगा, ये दवाई नीचे उतरेगी इसके अंदर, बरोबर। अभी इसके अंदर नीचे उतर के मतलब इसके अंदर जितना भी है, अब ये 20 दिन के लिए आपका सेकेंड फेज से इसका सुरक्षा हो गई। अब 20-25 दिन में आने वाले इसमें ये कमल पूरा बाहर निकल आएगा, इसके पूरे हैंड्स फ्री हो जाएंगे। तो इस आने वाले 20-25 दिन में इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का सेकेंड फेज का अटैक नहीं होगा। अब सकिंग पेस्ट में होता क्या है, जब सकिंग पेस्ट का अटैक होता है ना तो लगभग 10-15% तक इसका जो क्वालिटी है वो प्रभावित होता है। अब आप हम कुछ नए देखेंगे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो आप उस पर देखोगे ऐसे दाने दाने बने हुए थोड़े से धब्बे आ जाते हैं, तो सकिंग पेस्ट के कारण होता है। अब सकिंग पेस्ट सिर्फ उसका धब्बे ही नहीं बना रहा है, उसकी लंबाई को भी प्रभावित कर रहा है। अब ये हो गया, इसके बाद हम इसको टैग करेंगे। हमने 6 इंच छोड़ा है, ये जो कंबल है तो इसे हम तोड़ के ठेक करे ये हमने यहाँ से किया। ये तो आपका जो फ्लावर बाहर से जब आप कमल तोड़ के फेंकते हो ना तो ये वाला पोर्शन चला गया, वो बनेगा अभी आगे चल के। ये तो इसके नीचे आपका जो पूरा नीचे तक उतरेगा, लगाते हैं लेकिन क्या वो पूरा यहाँ तक पहुँच पाएगा दवाई, निकलता नहीं है ये, बिल्कुल सीधी अवस्था में रहना चाहिए तब या करो। तो अपन यहाँ पे इसको करेंगे जब खड़ा रहेगा तो दवाई पूरी यहाँ तक पहुंचेगी। अच्छा ये खड़ा होने के बाद यहाँ किया ऊपर तो देखो तो भी वो हर इसमें जाएगा, फिर अब इंजेक्ट करे इसको जख्म पैदा करेगा। जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये केलों पे नहीं जाएगा, यहाँ पे